आपने पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा होगा, क्या आप कभी गौर किया है कि पक्षी जब आकाश में एक साथ उड़ते हैं तो उनका भी आकार बन जाता है। पक्षी एक एक करके एक रेखा बनाते हैं जो भी आकार की तरह दिखाई देती है। यह भी आश्चर्यजनक है कि वह भी आकार में लंबी दूरी की उड़ान भरते हैं। उन्हें एक दूसरे से आगे निकलने की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? इस पर वैज्ञानिक कई वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर रिसर्च से कुछ अहम बातें सामने आई है जो बताता है कि पक्षी एक साथ होने पर भी आकार के में क्यों उड़ते हैं। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं इसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान होता है। इस तरह जब पक्षी एक साथ भी शेप में आसमान में उड़ते हैं तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक है। शोध से पता चला है कि पक्षियों के भी आकार में उड़ने के दो कारण है। सबसे पहले भी आकार में उड़ने से उन्हें उड़ने में आसानी होता है, ऐसे करने से यह आपस में टकराते नहीं है। दूसरा कारण यह है कि पक्षी के झुंड में एक पक्षी उनका नेता होता है। वह उड़ते समय अपने बाकी साथियों के मार्गदर्शन करता है। जब पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो वह सबसे आगे होता है, दूसरे उसके पीछे हैं। कई वैज्ञानिक इस पर सहमत हैं। रॉयल वेटनरी कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि जब पक्षी भी आकार में समूह में उड़ते हैं तो आकाश में उड़ते समय हवा के माध्यम से कटाव आसान होता है। इससे पक्षियों को साथ उड़ने में आसानी होती है। ऐसे करने से वह काफी ऊर्जा भी बचाते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि पक्षियों में बचपन से ही भी सेफ उड़ने की क्षमता नहीं होती है, वह एक समूह में रहकर सीखते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।